नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप 10 सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ टॉप 10 भोजपुरी मूवीज़। नंबर 10 पे है सात सहेलियां, और सात सहेलियां बॉक्स ऑफिस पे 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म में लीड रोल में थे भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ, फीमेल लीड थी पाकी हेगड़े, मोनालिसा रानी चटर्जी के साथ साथ इस फिल्म में सात और हीरोइने थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट थी 2010 की, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। बात करते हैं 9वें नंबर की फिल्म के बारे में, तो 9वें नंबर की फिल्म का नाम है देवरा बड़ा सतावेला। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में थे रवि किशन, पवन सिंह और चिंटू पांडे। बात करें फीमेल लीड की, तो फीमेल लीड थी रानी चटर्जी, मोनालिसा और नेहा। बात करते हैं फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में, तो फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने, और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट थी उस साल की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कमाई किए थे 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया था बॉक्स ऑफिस पे, और फिल्म के गाने ऑलमोस्ट सुपर हिट थे, काफ़ी अच्छे फिल्म के गाने थे। और सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के बारे में कि फिल्म के जो भी नाम थे, जैसे कि फिल्म में जो कैरेक्टर के नाम थे वो इनके रियल नाम थे, यानी पवन सिंह का फिल्म में नाम था पवन, रवि किशन का फिल्म में नाम था रवि, और चिंटू का फिल्म में नाम था चिंटू। दोस्तों, बात करते हैं 8वीं फिल्म के बारे में, तो 8वीं फिल्म का नाम है 5 में हुई रिलीज पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई। जी हाँ दोस्तों, ये वही फिल्म है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे लाके खड़ा कर दिया था। फिल्म को रिलीज भी आज हो चुके हैं करीब 18 साल। ये उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हालांकि 2005 में भोजपुरी में बिहार में बंटी और बबली भी लगी थी, लेकिन पब्लिक ने बंटी और बबली को ना देख के भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई देगी, और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 12 करोड़ रुपये था। बात करते हैं 7वीं फिल्म के बारे में, तो 7वीं फिल्म का नाम है मेहंदी लग रखना, और ये फिल्म 2017 में आई थी। फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी लीड रोल में थे, और फिल्म को डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा जी ने, और रजनीश मिश्रा का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, और ये फुल टू फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म थी। और मुझे वाकई में ये फिल्म यानी मेहंदी लग रखना फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ ही इस फिल्म में अवधेश मिश्रा की जो एक्टिंग थी काफ़ी पसंद आई। बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, फिल्म मेहंदी लगा रखना का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 14 करोड़ रुपए। बात करते हैं 6वीं फिल्म के बारे में, तो 6ठी निरहुआ हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 में आई थी, और ये निरहुआ की 50वीं फिल्म थी और आम्रपाली दुबे की पहली फिल्म थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था संतोष मिश्रा जी ने, और वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रवेश लाल यादव और निरहुआ एंटरटेनमेंट ने। ये बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, यानी इस फिल्म ने दोबारा से भोजपुरी मूवीज़ को रिवाइव कर दिया था, और फिल्म का कलेक्शन था 14 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, और आज भी मेरी फेवरेट फिल्म है भोजपुरी इंडस्ट्री में निरहुआ हिंदुस्तानी, काफ़ी शानदार फिल्म है। मैं आज भी ये फिल्म देखता हूँ और हंसता हूँ। कि आपकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताएं।